कुछ लोग ना मतलब मुझे देख देख के सोच रहे हैं कि बड़ा अच्छा मतलब अपना फिगर मेंटेन कर रही हैं, दुबली हो रही हैं, तो एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा रहे हैं, योगा वगैरह अपना करके बढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना कि कंपटीटर बना लेते हैं कि एक दूसरे से कंपटीशन करना है, तो फिर दिमाग में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हालांकि होना नहीं चाहिए। फिर ये सोच रहे हैं कि हाँ ये मतलब दुबली पतली हो रही हैं कुछ ऐसा। अब मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, हाँ सुबह मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो मैं एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, तो उसके वजह से तो मुझे लग रहा है कि वेट लूज मेरा हो रहा है। हाँ लूज मेरा वेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना वर्क पड़ रहा है। राजू स्वागत है, आदरणीय बहन जी हमारा प्रणाम, और भाई जी स्वागत है। अब एक देखिए ये भी राजू भी है, देख रहे हो, बिना जान के बिना पहचान के मुझे सोशल मीडिया में बहन बनाए, तो भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता लोगों को काम ओनली, हाँ वही तो अतुल जी, वही वही तो पंडित जी मैं पूछ रही। ये बताइए पंडित जी आपने खाना खा लिया? सुधांशु जी, अतुल जी, सब लोग बताइएगा। अतुल जी, सरोज मैडम, कुछ भी मैसेज लिख देते हो यार तुम लोग, हाँ? नमस्ते राधे 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 राधे, कैसे हो आप? खा लिए? क्या बना था? अरे चुप कर अमित, अमित चुप कर, न मेरे मुंह से उल्टा ऊट पटांग के बातें सुन लेगा। आंटी आप 20 ईयर की लड़की पर भारी नहीं पड़ोगी? अरे तो 20 ही साल के हैं अमित, 20 साल के हो, 1 साल के हो, 50 साल के हो, लेकिन क्या कहते हैं, अगर गलत मैसेज करना है तो हाथ जोड़ रही हूँ, चले जाओ ठीक है। और आंटी अंकल जी यहाँ मत करो, तुम हाथी के बच्चे होगे, कि अगर किसी घोड़े के बच्चे या गधे के बच्चे पे गिर जाओ ना तो वो भी शहीद हो जाएगा पक्का। आलू गोभी रोटी, माई टेक यू आप, मतलब मैं ठीक हूँ, और आप हंस रहे हो इतनी सारी इमोजी के साथ दोस्त। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? आंटी जी स्वागत है, और बताइए क्या हाल है? आप इतना हंसोगे तो फिर तो दांत वगैरह निकल के चले जाएंगे बाहर, इतना हंस तो मत। इस मैसेज को मुझे रिमूव करना पड़ेगा दोस्त। अच्छा चलो पहले मैं अपने दांत को साफ कर लेती हूँ और उसके बाद आती हूँ। तो आती तो हूँ, मतलब यहीं रहूँगी, लेकिन यार मुझे मन मेरा मन कर रहा है जाने का। और हाँ पंडित जी मैं ठीक हूँ दोस्त, आप बताओ। सेवन जी मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ एकदम बिंदास। किचन में जाना है, बर्तन रखना है और दांत को साफ करना है। किचन में बहुत सारे काम है लेकिन करूंगी नहीं। अमित गो तुम जाने दीजिए अतुल जी। अतुल जी जाने दीजिए, थैंक यू अतुल जी। हाँ वाओ, हरी जी स्वागत है। सेवन जी कहाँ रहते हो? सेवन जी मैं प्रयागराज में रहती हूँ, आप भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, जानकर ये अच्छा लगेगा कि आप कहाँ किस सिटी से हो या किस जिला से हो, अच्छा लगेगा। तो पंडित जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट।